बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें। जयपुर हेरिटेज निगम मेयर मुनेश गुर्जर कांग्रेस वॉर रूम में पहुंची है, धरना स्थल से उठकर यहां पहुंची। आपको बता दें प्रभारी, कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा खास बैठक ले रहे हैं और उसमें सबसे अहम मुद्दा था, जिस तरीके से धरने पर बैठी हुई है मुनेश गुर्जर, अन्य पार्षद, और मामला बढ़ता गया था। लेकिन अब हो सकता है कि बुलावा मिला है या फिर खुद मुनेश गुर्जर पहुंचे हैं, घर धरना स्थल से उठ गई हैं वो, लेकिन धरना अभी खत्म हुआ नहीं हुआ संशय है। वॉर रूम से ये जानकारी अब तक पहुंचा रहे हैं पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा जी, हमारे साथ लगातार बने हुए, उनका रुख करते हैं। योगेश जी, तस्वीरें हम देख रहे हैं, साथ में उनके पार्षद भी है, लेकिन अब एक सवाल है, क्या इनको बुलावा मिला है या फिर ये खुद पहुंचे हैं? देखिए, प्रभारी सुखजिंदर रंधावा ने मेयर को बुलाया है, धरने पर बैठी थी और प्रभारी कहा जा सकता है कि इस पूरे मसले को आज ही सुलझाना चाहते हैं। तो पहले तो जनप्रतिनिधियों से बातचीत हुई, जनप्रतिनिधियों के अंदर शुमार रहे मंत्री महेश जोशी, प्रताप सिंह अत्रेवाद, रफीक खान और अमीन काजी। उसके बाद अब बैठक में बुलाया गया है, पूरी तरह कहा जा सकता है कि इस पूरे मामले को लेकर जो सबसे विवादित पहलू है वो यही है कि धरना इस वक्त जयपुर के हेरिटेज की मेयर मुनेश गुर्जर का चल रहा है, मुनेश गुर्जर को यहाँ बुला लिया गया है, उनके साथ धरना दे रहे कुछ पार्षद भी यहाँ पहुंचे हैं। अब वार्ता इस वक्त सुखजिंदर रंधावा के साथ चल रही है और इसके साथ ही एक दूसरी बड़ी खबर ये भी है कि जो अजमेर में विवाद हुआ था, आपको ध्यान, अजमेर का घटनाक्रम पहले नसीम अख्तर और महेंद्र सिंह रलावत दोनों के परिवार के सदस्यों के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए थे। अभी थोड़ी देर पहले ही सुखजिंदर रंधावा से महेंद्र सिंह रलावता ने मुलाकात की है और पूरा अजमेर का विस्तृत विवरण उन्होंने सुखजिंदर रंधावा के सामने रखा है, जो तमाम जो घटनाक्रम जो कंट्रोवर्सी है अजमेर में हुई है। और कहा जा सकता है कि रामचंद्र चौधरी, श्री गोपाल भाई जी, राजकुमार जयपाल, इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी नसीम अख्तर के खिलाफ और महेंद्र सिंह रलावता के खिलाफ। महेंद्र सिंह रलावता जो कि सचिन पायलट की बहुत नजदीक माने जाते हैं, उन्होंने अभी थोड़ी देर पहले ही सुखजिंदर रंधावा से मुलाकात कर पूरे अजमेर की राजनीतिक जो घटनाक्रम है, ताजा घटनाक्रम, उसका विवरण रखा है। जी चलिए, शुक्रिया योगेश जी, आपसे आगे भी जानकारी लेंगे। लेकिन इस बात से तो ये समझ में आ गया है कि आज ही इस मुद्दे को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं सुखजिंदर सिंह रंधावा।